आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए वेव है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसका टाइम पीरियड दिया गया है कि ये जो पीरियड है इसका वो 4 सेकंड के बराबर है और एक दूसरा वेव है जिसका पीरियड जो है वो 3 सेकंड के बराबर है। अब कहा जा रहा है कि अगर ये कंबाइन कर दिए जाएं तो जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका पीरियड किसके बराबर होगा ये हमको बताना है। तो बेसिकली अगर अब हमारे दो वेव अगर मतलब कंबाइन हो रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, तो जो बीट प्रोड्यूस होगा इनके द्वारा उसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यू वन माइनस न्यू टू के बराबर। मतलब एक जो हायर फ्रिक्वेंसी वाली है उसमें से माइनस स्मॉल फ्रिक्वेंसी उतने के बराबर हमारी बीट्स जो होंगी वो प्रोड्यूस होंगी जो हमारा रिजल्टेंट वेव होगा उसका। तो यहाँ से हम इसको ऐसे बराबर कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं कि अगर अब हम देखें तो 3 सेकंड वाला हमारा जो होगा उसका न्यू ग्रेटर होगा, तो 1/T1 माइनस 1/T2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा न्यू के बराबर। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम देखें तो ये 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू न्यू, ये हो जाएगा हमारा 1/12 इज इक्वल टू न्यू के बराबर। और न्यू जो होगा ये हमारे रिजल्टेंट वेव का टाइम पीरियड हम मान सकते हैं इसको। तो जो पीरियड होगा यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, 12 के बराबर, 12 सेकंड आ जाएगा हमारा आंसर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।